राहुल गांधी के बाद आज सोनिया की बारी। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया। सोनिया से पूछताछ की ईडी ने की तैयारी। 50 सवालों की लिस्ट ईडी ने की तैयार। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर करेंगे पूछताछ। नेशनल हेरल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी के बाद प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। पार्टी की तरफ से देशव्यापी स्तर पर प्रदर्शन के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, साथ ही प्रदेश कार्यालयों में भी प्रदर्शन की तैयारी है। सोनिया से पूछताछ के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। उधर सोनिया से पूछे जाने वाली सवालों की लिस्ट भी ईडी ने तैयार कर रखी है। नेशनल हेरल्ड मामले में ईडी के सामने सुबह 11 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पेश होंगी। इससे पहले भी ईडी सोनिया गांधी को समन भेज चुकी है, लेकिन खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोनिया ने ईडी से समय मांगा था। नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पहले ही ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने राहुल गांधी से इस मामले में 5 दिनों तक कई सेशन में पूछताछ की थी, तब भी कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था। यह जांच कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंधित है, जो नेशनल हेरल्ड अखबार के मालिक भी हैं। सोनिया राहुल से पूछताछ की कार्रवाई पिछले साल के अंत में ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत नया मामला दर्ज करने के बाद शुरू की गई है। अब सोनिया गांधी पेश होंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जांच में शामिल होने के लिए पेश होना पड़ रहा है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेताओं ने यह तय किया है कि देश भर में पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ ही कांग्रेस ने इस मौके पर देश भर में ईडी दफ्तर का घेराव करने का भी प्लान बनाया है। कई जगहों पर चक्का जाम और ईडी दफ्तर तक मार्च की योजना बनाई है। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ उनको ईडी दफ्तर तक छोड़ने जा सकते हैं। उधर राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद संसद भवन में बस के जरिए या पैदल मार्च करना चाहते हैं। फिलहाल ये भी तय होना है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है। कार्यालय के दोनों गेट पर हैवी बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस दफ्तर पर रिजर्व पुलिस को फोर्स को भी रखा गया है। ईडी सूत्रों की माने तो एजेंसी ने सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए 2 असिस्टेंट डायरेक्टर और 1 महिला असिस्टेंट डायरेक्टर की ड्यूटी लगाई है। सोनिया से ईडी ने पूछताछ के लिए 50 से अधिक सवाल तैयार किए हैं। राहुल गांधी से पूछताछ में सामने आई बातों को भी ईडी ने अपने सवालों में शामिल किया है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी को अपने लिए वकील लाने की अनुमति देंगे या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।